तो अगर सिंपल डिफिनीशन अगर मैं बात करूँ क्या होता है हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स, तो मैं कहूँगा कि हवा और फ्लूड का, हवा और द्रव्य का प्लूरल स्पेस में जमा हो जाना, ये हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एंड फ्लूड इन दी प्लूरल स्पेस। अब आप कहेंगे कि प्लूरल स्पेस क्या होता है, तो प्लूरल स्पेस बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच की जगह को। प्लूरल मेम्ब्रेन असल में दो लेयर होती हैं, जो एक लेयर चिपकी रहती है लंग्स से और एक लेयर चिपकी रहती है इन्फीरियर वॉल ऑफ इंटरकोस्टल मसल से, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बहुत ही छोटा सा स्मॉल फिजिकल गैप होता है, और इस स्मॉल फिजिकल गैप में फ्लूड्स होते हैं जिन्हें हम प्लूरल फ्लूड्स कहते हैं, और ये प्लूरल फ्लूड्स असल में सीरस फ्लूड होते हैं और इसमें काफ़ी चिकनाई होती है, तो ये ल्यूब्रिकेंट का काम करते हैं जिससे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में घर्षण नहीं हो पाता, और लंग्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं बाहरी ट्रोमैटिक इंजुरी से। और असल में ये लेयर्स जो होती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन की शॉक्ड एब्जॉर्बिंग लेयर होती हैं, तो बहुत सस्पेंसरी फंक्शन करती हैं, झटके से बचाती हैं लंग्स को। तो इसी प्लूरल स्पेस में फ्लूड होते हैं, तो नॉर्मली फ्लूड जो है एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन जब ये फ्लूड एबनॉर्मली का वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होने लगता है तो ये फिर प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और इनको इस फ्लूड को हम प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं। न्यूमोथोरैक्स में होता यह है कि लंग्स बिल्कुल काला हो जाता है, ब्रोंको वैस्कुलर जो डिमार्केशन होता है वो नज़र नहीं आता, बिल्कुल काला हो जाता है लंग्स, और चूंकि एयर ट्रैप हो जाती है प्लूरल स्पेस में,